तरफ है पंजाब की शान तो दूसरी तरफ है बॉलीवुड का मान, और जब ये दोनों साथ आते हैं तो होता है बॉक्स ऑफिस पर धमाल। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़रीन खान की और गिप्पी गरेवाल की, जो बहुत जल्द आपके सिनेमाघरों में डाका डालने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जट जेम्स बॉन्ड और अब उसमें चोरी करी थी और अब डाका डालने को तैयार हैं, तो कैसा सफर रहा है चोरी के साथ डाका करना है? बहुत अच्छा सफर रहा है जी, और मुझे लगता है कि शायद अगर चोरी सक्सेसफुल ना होती तो डाके का अटेम्प्ट ना होता। इनका कॉल आया आपके पास, किस तरह से ये प्लान हुआ था पूरा? इनकी टीम ने मेरी टीम से कांटेक्ट किया था, बट बातें चल रही थी, देन एक टाइम आया जब इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बोला चलो लेट्स शूट, आई बीन वेटिंग। मैं तो वेट कर रही थी जज जेम्स बॉन्ड के बाद कि कब हम दोबारा काम करेंगे, क्योंकि जज जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, हमारी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो कोशिश तो कर रहे थे कि हम साथ में फिर काम करें, बट मे बी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट नहीं हुआ या व्हाट एवर इट वाज। सो जब वो कॉल आया तो मैंने तो हाँ कर दी। आपकी जैसे हिंदी में पकड़ काफ़ी अच्छी हो गई है, ज़रीन की पकड़ पंजाबी में कैसी है? देखो जी, हम पंजाबी बंदे हैं, किसी की पकड़ हो ना हो हम पकड़ लेते हैं। हमने अपनी पकड़ मजबूत रखी हुई है, हमारी पकड़ बहुत स्ट्रांग है। पकड़ मजबूत है तभी ज़रीन वापस आ गई। बिल्कुल, ज़रीन वापस आ गई, और जब इन्होंने डायलॉग बोलने होते थे तो ये थोड़ी पढ़ी लिखी स्टूडेंट है, हमारे जैसा फॉर्मेट नहीं है, तो ये रट्टा लगा लेती थी, इतना ज्यादा रट्टा लगाती थी, मतलब डायलॉग इसको दो पेपर पे लिख के इसने 7-8 मिनट उसको इतना रीड करना, मतलब किसी से बात नहीं तो आगे सीधी खड़ी हो जाना, तो डायलॉग है पूरे एक्सप्रेशन के साथ हर फील, क्योंकि समझ तो यदि सब चीज़ें कर लेती थी, तो आपने बोला कट, आपने बोला ओके टेक, तो ये गई है, तो अगर आपने वापस दोबारा लगा गड़बड़ा है वो बुलाओ तो फिर मुझे 7 मिनट दो वापस से रीड करूँ। पिछली बार में आपने देखा हो कि ज़रीन में कुछ बदलाव आया है कुछ ऐसा है? एक्चुअली क्या है कि जब हमने पिछली फिल्म की थी, जैसे इसने बताया कि वो किसी अलग प्रोड्यूसर की फिल्म थी, हम उसके थ्रू दोनों मिले थे, सेट पर जाते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इतनी बात नहीं होती थी, तो नॉर्मल हेलो हाय हुई एंड वापस आ गए, तो तब भी प्रमोशन पे ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत मिलने लगे थे, बट आफ्टर दैट कुछ नहीं। बट इस फिल्म में तो ऐसे है ना कि डे वन पे ही हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने इनको मिलना विलना बातें ये वो चलता रहा, बट अभी तो बहुत, उस वक्त तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये बोलती बहुत कम है, मतलब अच्छा। बोलती ही नहीं है, मतलब कोई बात बात ही नहीं करती है, मतलब अब पता चला कि चुप नहीं होती, बोलती है कि मतलब अब फटाफट, क्योंकि तब इसको शायद ये भी डाउट था कि मैं इतना हिंदी में बोलूंगी शायद इसके पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो अभी तो इसको पता चल गया है ना कि पूरा पल्ले। ये है कि मैं जब कोई इंसान से नया मिलती हूँ ना तो उनको यही लगता है कि कितनी अच्छी, ज्यादा बात बात नहीं करती, बट आई टेक माई टाइम टू पहले नो द पर्सन, फिर एक बार मैं जान गई तो Then I get comfortable. तो फिर जब ये एक बार बंदे को जान जाती है तो उसको तब पता चलता है कि ये क्या है, फिर उसके बाद वो जानता है कि ये ओ अच्छा ये ऐसे। ये तो आपको बहुत अच्छे से जान गए, आप कुछ इनकी मेमोरी बताना चाहें जो आपने सेट पे गौर किया हो? मैं क्या, ये मैंने जैसे कहा कि ये माहौल बना के रखते थे सेट का, तो जितने भी घंटों की शूट है वो कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था, तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप काम करते हो और उसमें मजा आए तो फिर वो वाइब आपकी फिल्म में दिखती है, वो प्रोडक्ट भी उतना अच्छा बनता है। अगर आप काम कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, कुड़ रहे हो, तो फिर प्रोडक्ट भी वैसे दिखता है। अच्छा है आप बाद में एलेबरेट कर देते हो, क्योंकि पहला वर्ड जो आप बोलते तो आप पहले बोलते ये माहौल बना के रखते हैं, तो गजरा वजरा पहन के माहौल बना के रखते हैं, मतलब क्या माहौल, खुशी का माहौल, मतलब मजाक का माहौल और कुछ नहीं। बाबा ज़रीन कितना अच्छा गाना गाती है, ये पंजाबी गाने की बात कर रहे हो हिंदी गाने की बात? कोई भी गाना, हिंदी हिंदी का तो मुझे पता नहीं है, पंजाबी गाने की तो ये सिर्फ तर्ज ही गाती है, मतलब ये ऐसे कहते हैं। तो हम हिंदी से शुरुआत करें फिर? नहीं, ऑनेस्टली मैं मुझे गाने का बहुत शौक है, और एक्ट्रेस का तो कभी कुछ प्लान नहीं किया था, बट ये हमेशा से था कि मे बी आगे जाके कभी मैं गाना गाऊं। नेक्स्ट मंथ एल्बम आ रही है इनकी, 8 गाने की है अभी फिलहाल, मुझे खांसी हुई पड़ी है, तो मेरा ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, गला वाकई सच बोल रहे हैं, क्लासिकल में इनका इन्होंने किया है तो गला भी खराब चल रहा है। नहीं नहीं, क्लासिकल ये सब ऐसे कुछ नहीं है, तबला बहुत अच्छा बजाती है। हाँ, बोल बहुत अच्छा बजाती है। तो फिर गिप्पी गाएंगे और आप उनके साथ वही जैसे आप वही करेंगे, ठीक है? मेरा फेवरेट अंग्रेजी बीट है जी, वो मेरा भी फेवरेट है, वो तो हमडिया नु चढ़दी ठारी 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 ओदी हीट ते हमर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीट ते अब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक यू।